सो है व्हाट्सअप एंड वेलकम गाइज। तो कैसे हो भाई हो, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका भाई भी बहुत ही अच्छा है। तो लोगों जो आप लोग के डिमांड पे मैं फिर से लेके आया हूँ एक स्नैपचैट का फोटो एडिटिंग जो कि बैकग्राउंड इरेज है और प्लस अपने फेस स्मूथिंग और पूरा प्लस स्नैपचैट से फोटो एडिटिंग लाओ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक प्रोफेशनल फोटो एडिटर बन जाओगे। अब देख सकते हो हमारी नॉर्मल फोटो किस टाइप की है और मैंने इसको एडिट किया, ठीक है। ये हमारी है नॉर्मल फोटो और मैंने इसको एडिट किया, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे भाई स्नैपचैट से ही ज़्यादातर फोटो एडिटिंग लाओ, लेकिन मैं आपको कमेंडेड करता रहता हूँ कि भाई मतलब स्नैपचैट से उतनी ऐसी फोटो एडिट नहीं हो पाती, फिर भी मैं आप लोगों को इससे स्नैपचैट से बस ऐसे ही फोटो एडिटिंग हो पाएगी। और मैं आपको लिए मतलब दूसरे ऐप का भी फोटो एडिटिंग लाता रहता हूँ। और तो भाई आप क्या करना है, फर्स्ट ऑल हमारी वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छे से कमेंट कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑल आपको क्या करना है, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये एक बैकग्राउंड मिल जाएगा आपको, बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है और यही बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना और स्नैपचैट भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आप लोगों को स्नैपचैट होगा ही। और आप में से बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई वीडियो में कुछ कुछ स्टेप जो होते हैं हम नहीं समझ पाते, ठीक है। तो भाई कैसे मेरी फोटो नहीं बन पाती, ऐसे बोल रहे थे, मतलब बहुत से लोग ऐसे बोल रहे थे कि मतलब फोटो नहीं समझ पाते। तो भाई आपकी गलती है, आप वीडियो स्किप कर लोगे और आप नहीं देख पाते हो, तो ये इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करो, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, तभी जाके आपको पूरा समझ में आएगी, नहीं तो आपको कोई समझ में नहीं आएगी। तो ये रही हमारी नॉर्मल फोटो और आज हम आपको इस टाइप की एडिट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो भाई आप पूरा वीडियो देखना, तभी जाकर आपको समझ में आएगी, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगी। या फिर आप कमेंट करोगे कि भाई मतलब वीडियो समझ में नहीं आती है, ठीक है, और फोटो एडिटिंग नहीं बन पाती है। तो भाई वीडियो पूरा देखो शुरू से लेकर लास्ट तक और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो पर मैंने टारगेट रखा 300 लाइक के टारगेट का। तो मुझे पता है कि आप लोग 300 लाइक आराम से कर दोगे, ठीक है, और फोटो एडिटिंग अच्छे से सीख जाओगे आप लोग। तो फर्स्ट ऑल हम क्या करते हैं, अपनी बैकग्राउंड लेते हैं, उसे शेयर करते हैं स्नैपचैट में, सॉरी अपनी फोटो लेते हैं, अपनी फोटो को शेयर करते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल फोटो है, इसको हम शेयर करते हैं अपनी स्नैपचैट में। तो गाइस फोटो एडिटिंग सीखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। ऑल पे इसलिए प्रेस कर दें क्योंकि गाइस जब भी फोटो एडिटिंग की मैंने वीडियो अपलोड करनी है तो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप सीख के सबसे पहले फोटो एडिटिंग सीख सकते हो। आप देख सकते हो इस पर ऐसे टाइप की फोटो एडिटिंग है जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और इससे प्रीसेट भी आपको इसमें प्रीसेट मतलब मिल जाएगा फ्री में, जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलती है। और इस टाइप की फोटो एडिटिंग जो कि आपको एक सप्ताह के अंदर मोबाइल से ही फोटो एडिटर बना देगा, ठीक है। और उसके बाद आप भी अच्छे से फोटो एडिट करके इंस्टाग्राम अदर ऐप पे बहुत सारे लाइक्स कमा सकते हो। आप देख सकते हो इस पे आपका पैर सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है फ्रेंड, और इसमें आपने लोगों ने व्यू भी बहुत अच्छा दिया, ठीक है। आप इसमें बहुत अच्छा खासा व्यू देते रहते हो, ठीक है फ्रेंड। तो पहले सब्सक्राइब कर ले और एक वीडियो को लाइक कर देना जरूर, ठीक है। और वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा क्योंकि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो भी पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो इसमें आपको ऐसे फोटो एडिटिंग है जो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आप नहीं विश्वास होता तो प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड चलते हैं फोटो एडिटिंग पे, ठीक है। हमारी स्नैपचैट यहाँ पे ओपन होने के बाद हमारी फोटो देख सकते हो, अच्छी फोटो है, फट नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑल यहाँ पे जाते हैं टूल्स वाले ऑप्शन में और यहाँ पे ट्विन इमेज में जाएंगे और यहाँ पे सैचुरेशन पे जाएंगे और सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। अब बोलोगे भाई सैचुरेशन क्यों बढ़ाए हैं, तो भाई देखो बिफोर एंड आफ्टर, इससे क्या होगा हमारे जो फेस है वो पीला हो चुका जो कि हमारी बैकग्राउंड से मैच करे, ठीक है। और उसके बाद हम सेकेंड क्या, इससे क्या होगा भाई जो हमारी फेस पीला हुआ है जो कि हमारी बैकग्राउंड से मैच करेगा, तभी तो लगेगा कि मतलब हाँ ये मतलब लाइट आ रहा है फेस पे, पीछे मतलब ऐसे ही दंगे वाली फोटो है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ट्विन इमेज में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सैचुरेशन में जाके सैचुरेशन पूरा माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सही पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद इतना करने के बाद मार का जो मेन स्टेप होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरा ध्यान देना है, यहाँ पे ऊपर में आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे शेयर का चिन्ह दिखा देगा, उसके बगल में इरेजर एक एरो का चिन्ह दिखा देगा जो कि लेफ्ट साइड की ओर रहेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर पे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाएंगे। उसके बाद ट्विन इमेज में जाके हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे और अपनी ड्रेस पर से हटा लेंगे, ठीक है। तो आराम आराम से हटा लेते हैं फ्रेंड, तो यहाँ से हम अपनी इसको हटा लेते हैं आराम से, आराम आराम से इस हटा लेंगे। बैकग्राउंड इसलिए हम ब्लैक एंड वाइट कर दें क्योंकि बैकग्राउंड इरेज करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, नहीं तो बैकग्राउंड इरेज करने में प्रॉब्लम होती रहती है। उसके बाद हम इसको इरेज कर लेंगे और यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कर देंगे, इससे पता चल जाएगा हम कहाँ कहाँ ब्रश चलाएँ, कहाँ कहाँ नहीं ब्रश चलाएँ, ठीक है। तो गाइस आपको आराम आराम से कर लेनी है क्योंकि जब तक फोटो एडिटिंग में टाइम नहीं दोगे फोटो एडिटिंग कंप्लीट नहीं होगी और आप सीख नहीं पाओगे।
इसलिए फोटो एडिटिंग पे टाइम दिया करो फ्रेंड, ठीक है। तो हमारी फोटो कुछ यहाँ तक, इस हद तक तैयार हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारी फोटो अभी अच्छे से तो नहीं रिलीज हुई, क्योंकि गाइस हम मुझे पूरे रिलीज नहीं करना था, बस थोड़ा सा इफेक्ट डालना था, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे स्टेप देखना है, डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। डबल एक्सपोजर पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको चार ऑप्शन मिल जाते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस वाले आइकन पर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे और पिक्चर में जाएंगे और अपनी जो बैकग्राउंड मैंने बोली है डाउनलोड करने के लिए, वो बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम वो बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पूरा फिट कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस वाले टून में जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले टून में इसको फुल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम राइट वाले पर क्लिक कर देते हैं। फिर से हमको वही स्टेप फॉलो करना है जो कि मैंने फर्स्ट वाले स्टेप में बताया था, जो कि शरीर के बगल में एरो का चिन्ह है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर पर व्यू डिटेल्स में और यहाँ पर डबल एक्सपोजर जो हमने अभी यूज़ किया उस पर जाएंगे और बताइए आपको यहाँ से हम अपनी बैकग्राउंड इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो हमारी बैकग्राउंड अच्छे से इरेज हो रही है। आप यहाँ पे दो तीन टून का यूज कर सकते हो, जैसे आप आई वाले बटन पे क्लिक करोगे तो रेड आ जाएगा। इससे क्या होगा गाइस, बहुत फ़ायदा होगा आपको, इससे होगा कि भाई पता चलेगा मैंने बैकग्राउंड पे कहाँ कहाँ इरेज किया है, कहाँ कहाँ नहीं इरेज किया, ठीक है। इससे यही फ़ायदा होता है। जैसे हम यहाँ से इसको आई बटन को हटाते हैं तो ये कुछ स्टेप्स हो जाते हैं। तो भाई जब भी फोटो एडिट बैकग्राउंड चेंज किया करो ना, तो फोटो को आप जितना जूम हो सके उतना जूम करके किया करो। इससे क्या होगा कि आपकी फोटो रियलिस्टिक बैकग्राउंड इरेज लगेगी, ठीक है, फेक नहीं लगेगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छे से कर लेनी है। तो यहाँ पे थोड़ा मेरे से गड़बड़ हो चुका है, तो हम यहाँ पे फिर से फुल करेंगे और यहाँ पे ब्रश पे जाएंगे और ब्रश को हम क्या करेंगे, आराम आराम से चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक ब्रश आप स्पीड नहीं चलाओगे तब तक आप फोटो एडिटर नहीं बन पाओगे और आपको फोटो एडिटिंग करने में टाइम लगेगा। फर्स्ट टाइम सबको टाइम लगता है, ठीक है, ये नहीं है कि कोई सीख के आता है भाई कहीं से, फर्स्ट टाइम सबको टाइम लगता है और मेरे को भी टाइम लगा था, आपको भी टाइम लगेगा, उसके बाद आप भी सीख जाओगे। और ये फोटो एडिटिंग अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में फ्रेंड, ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक फ़ोटो एडिटिंग लेके आया हूँ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में। हम क्या करते हैं इसको आराम आराम से इरेज कर लेते हैं, अगर आप भी आराम आराम से इरेज करना, क्योंकि जब तक टाइम नहीं दोगे तब तक फ़ोटो एडिटिंग बनेगी कहाँ, क्योंकि फोटो एडिटिंग टाइम मांगता, ठीक है। तो टाइम देते रहो, फोटो एडिटिंग आपकी कंप्लीट होती रहेगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ती है अपनी हेयर को, ठीक है। तो हेयर को हम ठीक से एडिट करेंगे, उसके बाद हम 75 पे जाएंगे और 75 वाला आइकन पूरा इस पर चला देंगे। उसके बाद जाएंगे 100 वाले पे, उसके बाद फुल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे ठीक है, तो इस टाइप से हम अपनी फ़ोटो की बैकग्राउंड इरेज कर लेते हैं। मैंने ब्लैक एंड वाइट इसलिए बोला था करने के लिए, कहीं पे छूट भी जाता है ना तो वो कलर उतना फेस नहीं होता, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट है तो सेचुरेशन इसीलिए बोला था माइनस कर लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत फास्ट में एडिट कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आराम से एडिट कर लेना, ठीक है। तो फोटो एडिटिंग में जब तक अच्छे से नहीं सीखते हो तब तक आपके लिए ये बहुत हार्ड लगता है, जब आप सीख जाते हो तो भाई कोई हार्ड नहीं है, फोटो एडिटिंग बहुत ईजी लगेगा और अच्छे से एडिट करना सीख जाओगे, ठीक है। जहाँ जहाँ मेरी फेस या किसी और चीज़ पे वो पड़ी चुकी है माइनस करके, तो उसको मैं हटा दूँगा और उसके बाद मैं अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम राइट वाले पे क्लिक करेंगे और हमारी बैकग्राउंड जो है पूरी रिमूव हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी लाइट की फेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे यहाँ पे और सेचुरेशन, इसी में सेचुरेशन जाके थोड़ा सा येलो कर देंगे, इससे हमारी फेस मैच करेगी, ठीक है। देखो जैसे लग रही है ना कि पीछे आ गया और आगे भी आ गए। उसके बाद एक स्टेप और करनी है जो कि आप ऐसे बहुत से लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। फिर से हम जाते हैं सेचुरेशन वाले ऑप्शन पर, सेचुरेशन फुल कर देते, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं इरेजर वाले ऑप्शन, फिर से जाएंगे हम इरेजर वाले ऑप्शन पे, व्यू डिटेल्स ट्विन इमेज, और फिर से हम जाएंगे इस पे और यहाँ पे हम, अब बोलोगे यहाँ पे क्यों चला रहे हो भाई, तो भाई जब तक
हमारी फ़ोटो रियल नहीं लगती जब तक मड लगेगी बैकग्राउंड इरेज किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा लाइटिंग देंगे कि हाँ भाई इधर से लाइटिंग आ रहा है हमारे शर्ट पे, जो कि पीछे आग लगी हुई है जैसे, तो पीछे हमारी थोड़ा बहुत इफेक्ट तो हमारे शरीर पे और बॉडी पे पड़ेगा ही। तो इस टाइप से हम कर देते हैं और हमारी फ़ोटो इतनी एडिट हो जाती है। उसके बाद क्या करेंगे गाइस, फिर से जाएंगे यहाँ पे डिटेल्स वाले ऑप्शन में, शार्पनिंग थोड़ा बढ़ा देंगे और स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ा देंगे। देखो अब यहाँ पर गेस हो रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं, इससे क्या होगी हमारी फ़ोटो एकदम से रियलिस्टिक लगने लगेगी। देखो बिफोर एंड आफ्टर, इसमें मैंने फेस को येलो इसलिए किया है क्योंकि भाई पीछे जो है दंगे वाले सीन है, तो भाई दंगे वाले सीन में तो ऐसे करेगी, मतलब लाइट इफेक्ट है तो फेस पे भी लाइट इफेक्ट पड़ना चाहिए, इसीलिए। तो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, तो भाई फोटो बहुत अच्छी लग रही है दिखने में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे और हमारी फोटो सेव हो जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कर दो क्योंकि भाई 300 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट करा दो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।